अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज़ आशा सदीका। हम लोग कर रहे थे हॉर्डिंग डिसऑर्डर। हॉर्डिंग डिसऑर्डर की हम लोगों ने रिस्क फैक्टर तक कर लिया था। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस का पार्ट टू होगा। इसमें हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोमोर्बिडिटीज़ को देखेंगे। ओके, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में हॉर्डिंग डिसऑर्डर आ जाता है। हॉर्डिंग डिसऑर्डर इज़ नॉट डायग्नोस्ड इफ़ द अकोमोलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज जस्ट टू बी अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर सच एज ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। कि हमने ऑर्डिंग डिसऑर्डर तब डायग्नोस बिल्कुल नहीं करना अगर उस बच्चे को ऑटिज़म है या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में से कोई है, लाइक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो हम ऑर्डिंग डिसऑर्डर कभी भी डायग्नोस नहीं करेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम और अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। अगर उस बंदे को स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, साइकोटिक डिसऑर्डर, नेगेटिव सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के या डिल्यूजन्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के और उनकी वजह से वो चीज़ों को अकुमुलेट कर रहा है, डिल्यूजन्स की वजह से, नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम की वजह से या साइकोटिक डिसऑर्डर्स की वजह से, तो फिर हम हॉर्डिंग डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करते। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड में अगर उस बंदे में साइकोमोटर रिटार्डेशन हो गई है, फटीग और लॉस ऑफ एनर्जी है, लाइक डिप्रेसिव एपिसोड में उस बंदे को इतनी ही लॉस ऑफ एनर्जी हो गई है और फटीक फील होती है, साइकोमोटर रिटार्डेशन फील होती है, कि वो अपने आप को इसका बदर नहीं समझता कि वो किसी चीज़ को उठ के डस्टबिन तक जाकर डिस्कार्ड कर सके, तो फिर हम हॉर्डिंग डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसकी सैडनेस की वजह से उसका दिल नहीं करता उस चीज़ को फेंकने का या उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उस चीज़ को डिस्कार्ड करे। इट्स नॉट फॉर कि अगर वो डिस्कार्ड कर देगा तो उसको एंजाइटी फील होगी, उसको परेशानी फील होगी कि मैं ये चीज़ कैसे फेंक दूँ, मेरी जी इसी मैंने इस्तेमाल की थी या खरीदी थी, कुछ जो भी है इसको मैं कैसे फेंक दूँ, ऐसे कोई सेंटिमेंटल्स नहीं है, बल्कि उसको ये डिस्ट्रा उसको बस उठ के जाके उस चीज़ को डिस्कार्ड करने का दिल नहीं कर रहा, ना उसको रखने का दिल कर रहा, उसको चीज़ से लेना देना ही कुछ नहीं है। और अगर आपको पता हो तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में स्वेयर लेवल पे जब सेल्फ हाइजीन्स तक निकलेक्ट हो जाती हैं, सिर्फ इस वजह साइकोमोटर रिटार्डेशन, फटीक और लॉस ऑफ एनर्जी की वजह से, तो ये एक चीज़ आम सी है कि अगर वो किसी चीज़ को किसी ने करा चीज़ को डिस्कार्ड नहीं करा तो, और उनका ढेर उसके लिए जमा होता जा रहा है। अच्छा, अब है ओसीडी। हॉर्डिंग डिसऑर्डर में हम तब डायग्नोस नहीं करेंगे अगर उसमें ऑब्सेशंस हो, कंपल्शंस हो, लाइक फियर ऑफ कंटेमिनेशन, हार्म, फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटेडनेस इन ऑब्सेसिटी, इस तरह की फीलिंग्स हो। इनकम्प्लीटेडनेस फीलिंग्स किस तरह की हो सकती है, कि लूजिंग वन्स आइडेंटिटी, हैविंग टू डॉक्यूमेंट और प्रिजर्व ऑल लाइफ एक्सपीरियंसेस, के मैंने अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करना है और उन एक्सपीरियंसेस को इकट्ठे करने के चक्कर में वो अपनी चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं कर पाता, ठीक है, आर द मोस्ट फ्रिक्वेंट ओसीडी सिम्टम्स एसोसिएटेड विद दिस फॉर्म ऑफ होर्डिंग। द अकोमोडेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ परसिस्टेंटली अवॉइडिंग वनोरियस rituals, not discarding objects in order to avoid endless washing or checking rituals, कि मे बी वो इसलिए उन चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं कर रहा कि अगर उसने वो एक रैपर हो गया या फिर वो एक ख़राब चीज़ हो गई है, गलत चीज़ हो गई है, अब अगर मैंने उसको फेंका तो मुझे कॉन्टेमिनेशन हो जाएगी, मतलब कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट मेरे पास हो जाएगा, या फिर उसको वो चीज़ को बार बार चेक करना पड़ता है कि गिर गई है, फेंक दी है या क्या, उसको ये सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं, चेकिंग के, वॉशिंग के, और ऑब्सेशंस ऑफ फियर होता है कि वो मुझे हार्म कर रही है अगर मैंने फेंक दिया तो फिर, तो अगर इस तरह के फीलिंग्स हैं तो ओसीडी, और अगर वो बिल्कुल ही उससे अलग, जैसे हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में बात की थी कि अगर उसकी ये फीलिंग्स हैं कि वो डिस्कार्ड करने के बाद उसको एंजाइटी फील होती है कि हाय मैंने उस चीज़ को फेंक दिया है, अब उसको एंजाइटी फील हो रही है, उस एंजाइटी को, उस डिस्ट्रेस को वो अवॉइड करने के लिए अब उन चीज़ों को डिस्कार्ड नहीं करता कि अगर मैं फेंकूँगा तो मुझे बेचैनी महसूस होगी, मुझे तलखी सी महसूस होगी, वो फीलिंग मैं महसूस नहीं करना चाहता, इसलिए उस चीज़ को मैं संभाल के रखता हूँ, ठीक है। तो अगर ये फीलिंग है तो होर्डिंग, और अगर ये फीलिंग है
कि मैं इसलिए चीज़ को नहीं फेंकता कि मे बी मैं कंटेमिनेट कर जाऊँ। मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस संभाल के रखने हैं, और अगर वो फेंक भी दे तो बार बार चीज़ों को चेक करना, वॉशिंग और ये सब कुछ चलता रहता है, तो फिर OCD। अब हम कॉमोबिडिटीज़ में बात करते हैं। कॉमोबिट में अबाउट 75% हॉर्डिंग डिसऑर्डर कॉमोबिट करता है मूड और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साथ। 30% टू 50% सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ कॉमोबिट करता है, और डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ भी ये कॉमन है। मोस्ट कॉमन कॉमोबिडिटी होती है इसकी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के साथ। 30% टू 50% सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ इसकी कॉमन कॉमोबिडिटी होती है। जनरलाइज एंजाइटी के साथ इस एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ इसकी कॉमन कॉमोबिडिटीज़ होती हैं। उसके अलावा अप्रोक्सली 20% जोन्स है इंडिविजुअल हॉर्डिंग डिसऑर्डर के साथ के सिम्टम्स के साथ OCD का क्राइटेरिया भी मीट कर रहा होता है। ठीक है, कॉमोबिडिटीज़ में ऑफन टू मे बी द मेन रीज़न फॉर कॉन्सनट्रेशन बिकॉज इंडिविजुअल्स आर अनलाइकली टू स्पॉन्टेनियसली रिपोर्ट हॉर्डिंग सिम्टम्स, एंड हॉर्डिंग सिम्टम्स आर ऑफन नॉट आस्क अबाउट इन रूटीन क्लिनिकल इंटरव्यूज़। कि हम रूटीन इंटरव्यूज़ में, रूटीन की चेकलिस्ट में हॉर्डिंग डिसऑर्डर के क्वेश्चंस लाइक आपको क्या चीज़ें जमा करने का शौक़ है, क्या जब आप चीज़ें आपकी कोई पर्सनल चीज़ आप उसको फेंकना पसंद कर रहे हैं, क्या आपसे फेंकी ही नहीं जाती, इस तरह के कोई मखसूस सवाल नहीं करते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट और स्पॉन्टेनियसली इतना प्रेविलेंट नहीं हमें नज़र आता, लेकिन लेकिन बात यह है कि होता तो है ना ये। ठीक है, और हॉर्डिंग सिम्टम्स जो से वो खुद ही रिपोर्ट हो जाते हैं अगर वो खुद से रिपोर्ट, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियसली खुद रिपोर्ट हो जाते हैं। अगर कोई बंदा चीज़ों को इकट्ठा कर ही जा रहा है, गैर मुतलका चीज़ों को भी इकट्ठा कर रहा है, तो उसके घर वाले खुद ही रिपोर्ट कर देते हैं, आते ही स्पॉन्टेनियसली रिपोर्ट करेंगे, जल्दी से रिपोर्ट करेंगे, और वो बंदा खुद भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं से उस चीज़ की एक रिपोर्ट मिल जाती है। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आया है। अगर आपको समझ आया, इस चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं।